कुछ इस तरीके की फोटोज अभी इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है। देनी गाइस देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लगती है। अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के लिए कुछ इस तरीके से एनिमेटेड फोटोज एडिट करना चाहते हो तो ये वीडियो गाइस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आसानी से आप अपनी प्रोफाइल नेम वाली कुछ ऐसी एनिमेटेड फोटोज बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे अच्छा लगता है देन आप भी अगर कुछ अपनी ऐसी फोटोज बना पाते हो तो इस वीडियो के यहाँ पे लाइक जरूर कर देना। देन नहीं बना पाते हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। देन काफी आसानी से मैं आपके लिए भी एक कुछ ऐसी फोटोज क्रिएट कर दूंगा आपके नाम की। तो होपफुली गाइस आपको ये ट्यूटोरियल यहाँ पे जरूर पसंद आएगा, इसलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ ताकि सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से यहाँ पे सिखा सकूँ। सो गाइस आपको यहाँ पे सबसे पहले आना है आपके अपने प्ले स्टोर पर। देन प्ले स्टोर को आपको ओपन करना है और यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो एप्लीकेशन का लिंक नेम है यहाँ पे बिंग, तो आपको ये सर्च करना है। वैसे इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन बिंग चैट विथ AI वाली आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। देन इसे आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एप्स पे जाके इस वाली एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उसको इजीली आप लॉगिन यहाँ से कर सकते हो। देन नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इमेज क्रिएटर, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे की साइड में इमेज क्रिएटर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके इंटरफेस यहाँ पे देखने को आ जाए, जहाँ पे एक आपको व्हाइट कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है डिस्क्राइब व्हाट डू यू लाइक टू क्रिएट। आपको इस वाले बॉक्स के अंदर आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट आपको कहाँ से कॉपी करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि प्रॉम्प्ट्स को हम डिस्क्रिप्शन से कॉपी नहीं कर पाते, तो आपको उस चीज़ को यहाँ पे छोड़ना है। देन आपको यहाँ पे लॉगिन करके जरूर रखना है। देन ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये वाला प्रॉम्प्ट हमारे सामने कुछ इस तरीके से। देन प्रॉम्प्ट आपको कैसे यहाँ पे कॉपी करना है, अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं होता तो आपको लिंक दे दूंगा मैं नीचे आर्टिकल का, उससे आप कॉपी कर सकते हो। आपको गूगल पे जाना है, MS एडिटिंग यहाँ पे सर्च करना है। फर्स्ट जो आपको वेबसाइट आ जाए msediting.co.in वाली, इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे ओपन हो जाना है। ओपन होने के बाद में आ गाइस आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो इसको सबसे पहले तो आपको डेस्कटॉप साइट से हटा के इसको अपने मोबाइल वाले में कन्वर्ट करना है। अगर आपके डायरेक्ट मोबाइल वाली आ रही है तो अच्छी बात है। देन यहाँ पे आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है कॉर्नर में, सर्च पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे 3D। केवल आपको एक टेक्स्ट टाइप करना है 3D। देन 3D वाला टेक्स्ट जैसे आप टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे हाउ टू क्रिएट 3D सोशल मीडिया प्रोफाइल वाला कुछ ऐसा आपको एक आर्टिकल नज़र आएगा। तो ये वाला आपको आर्टिकल नज़र आएगा तो इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी एड्स वगैरह है उनको आपको यहाँ पे स्किप कर देने हैं। स्किप होने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको ये पेज आ जाएगा। पेज होने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारी पोस्ट होगी। देन यहाँ पे नीचे आपको प्रॉम्प्ट के बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे आपको प्रॉम्प्ट मिलेंगे, ऑलमोस्ट 4 या 5 आपको प्रॉम्प्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जिस प्रॉम्प्ट को आपको यूज़ करना है वो आप इजीली यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये क्रिएट है 3D एलेजुरेशन फीचरिंग ए रियलिस्टिक एटेनियर ओल्ड बॉय, इसको आपको कॉपी करना है। देन नीचे 5 है, आप किसी को भी एक को कॉपी करना है, यहाँ से जस्ट कॉपी करना है और यहाँ से बेक आके आपको अपने जो बिंग वाली वेबसाइट है, वो बिंग वाले एप्लीकेशन है, इजीली आपको वहाँ पे आपको स्विच होना है। तो वहाँ पे ऑलरेडी था, बस आपको यहाँ पे कॉपी करने के लिए बताऊँ क्योंकि काफ़ी लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कॉपी करने में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देन अब यहाँ पे जैसे YouTube का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपके वहाँ पे एक डैश डैश का ऑप्शन आएगा तो डैश की जगह आपको वहाँ पे टाइप करना है अपने किसी भी सोशल मीडिया का नाम। जैसे मैं YouTube के लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं YouTube यहाँ पे टाइप करूँगा। देन नीचे में जाऊँगा और यहाँ पे यूज़र नेम MS एडिटिंग है, तो MS एडिटिंग की जगह मैं वापस अपना MS एडिटिंग कर देता हूँ क्योंकि हमारे YouTube चैनल का नाम भी MS एडिटिंग है। देन इतना करने के बाद में इजीली मैं यहाँ पे क्रिएट नाउ करूँगा तो क्रिएटिंग होएगा। जस्ट आपको यहाँ पे कुछ सेकंड्स वेट करना है और वेट करने के बाद में गाइस आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे। ऑलमोस्ट आपको 20 सेकंड के समथिंग आपको वेट करना होगा मैक्सिमम। तो इतना सा वेट करोगे तो नीचे आपके यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट हमारे आ चुके हैं, देख सकते हो कितने कमाल के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप अपने क्लोथ के भी वहाँ पे चेंज कर सकते हो, किस तरीके के आप कपड़े पहनना चाहते हो। देन ये कुछ इमेजेस हमने यहाँ पे बना लिए अपनी। देन अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो 3D पे क्लिक करना है और आपको इन इमेजेस को यहाँ पे सेव कर लेना है ईजिली। देन ये वाली पिक भी देख सकते हो, पीछे हमारे बैकग्राउंड में हमारी प्रोफाइल आ रही है MS एडिटिंग की, यूट्यूब चैनल की। तो यूट्यूब का लोगो आ रहा है और काफ़ी अच्छे हमने कपड़े भी यहाँ पे वियर कर रखे।
तो आप जो कपड़े वेयर करना चाहते हो वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट में टाइप कर सकते हो। देन इन्हें आप डाउनलोड करना चाहते हो तो 3 डॉट पर क्लिक करके इजीली इन सारी इमेजेस को आप यहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। देन काफ़ी कमाल की हमारे यहाँ पे इमेजेस बन चुकी है, तो अब हम अदर कुछ यहाँ पे अलग यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे अपने, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे जैसे YouTube है तो YouTube की जगह हमें अदर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पे स्नैपचैट लिखते हैं क्योंकि स्नैपचैट भी काफ़ी अच्छा यानी अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। देन नीचे काफ़ी सारी और चीज़ें यानी क्लोथ्स भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रीन एंड वाइट पेंट यहाँ पे दे रखा है तो हम यहाँ पे ग्रीन की जगह कर देते हैं यानी ब्लैक कर देते हैं हम यहाँ पे। और थोड़ा अगर कुछ आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देन स्नीकर शूज विद ग्लासेस द बैकग्राउंड ऑफ द इमेज शुड शोकेस ऑफ सोशल मीडिया प्रोफाइल पेज द यूज़र नेम आप यहाँ पे अपना डाल सकते हो। तो यूज़र नेम मैं अपना यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ, देन यहाँ पे अगेन क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद में जस्ट आपको वही कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और आपकी इमेजेस यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो ये वाली इमेजेस काफ़ी अच्छी दिखने वाली है आपको, क्योंकि एक ब्लैक एंड येलो कलर का कोई मिक्सचर होता है ना, तो काफ़ी अच्छा एक आपको अट्रैक्ट देता है आपकी इमेजेस आँखों को। तो देखना आपको जरूर ये वाली इमेजेस ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे कर लिए, देख सकते हो गाइस कितनी कमाल की हमारी यहाँ पे स्नैपचैट वाली तो अलग ही यहाँ पे नज़र आ रही है। ब्लैक एंड येलो वाला आप मिक्सर देख सकते हो, काफ़ी कमाल का लगता है। अगर आप परफेक्ट यहाँ पे कलर यूज़ करके अगर अपनी इमेजेस क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली काफ़ी कमाल की। इस इमेजेस को देखिए कितनी कमाल की लग रही है, देन ये वाली भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी सारी इमेजेस आप बना सकते हो। देन एक और हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, लास्ट वन। अगर आप गर्ल्स हो तो यहाँ पे